छत्तीसगढ़ का जंगल। जंगल में एक कुटिया, कुटिया में बाबा जो रोज राम धुन गाते हैं। क्या आप जानते हैं जंगल में ये राम धुन सुनने कौन आता है? ये अपने आप में इतना शॉकिंग है, इतना कमाल है कि ये जिंदगी में शायद ही कभी कोई दूसरी बार देखने को मिले। हाथों से खा रहा है। दूसरा भालू भी यहाँ पर आ गया है। मुझसे महज चंद फीट की दूरी पर वो कर्तव्य हो रहा है, वो लीला हो रही है जिसके बारे में सुनकर भी यकीन नहीं कर सकते। वो भालू केवल बाबा की बात सुनते हैं और ऐसा करने की कोई और कोशिश करता है तो कितने फीट की दूरी पर आप किसी जंगली जानवर के साथ रह सकते हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते। आपको लगता होगा बाबा रोज एक तय समय पर भजन गाते होंगे, प्रसाद खाने की लालच में भालू वहां पहुंच जाते हो, तो आप गलत हैं। बाबा के भजन का कोई तय समय नहीं है। जब भी बाबा का तंबूरा बजता है, भालू पलक झपकते पहुंच जाते हैं, चुपचाप भजन सुनते हैं, फिर जंगलों में कहीं गुम हो जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं रहस्यों का एक चक्रव्यूह, जिसे भेदने का जिम्मा उठाया है न्यूज 18 की टीम ने। एक धाम है जहां रोज एक तय समय पर जंगली जानवर आते हैं, देवी की पूजा करते हैं और चले जाते हैं। अब ऐसे दावों से हमारा पहले भी सामना हो चुका है और उनकी हकीकत भी लोगों के सामने आ चुकी है, तो सवाल ये कि आज कहानी में नया क्या है। वेल, आज की कहानी में चौंकाने वाली एक नहीं कई नई बातें हैं। पहली बात तो ये कि जंगल में कोई धाम नहीं है, बाबा की कुटिया है जहां जंगली भालू बाबा का भजन सुनने आते हैं, चुपचाप भजन सुनते हैं और जंगल में वापस लौट जाते हैं। अब दिन में जितनी बार भी बाबा की आवाज़ गूंजती है, भालू दौड़े चले आते हैं, उनको खिलाने पिलाने का भी कोई चक्कर नहीं है। फिर सवाल ये कि भालू आते क्यों हैं, जानना चाहते हैं ना आप? तो चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि भजन और भालू की कहानी कितनी हकीकत है और कितना फसाना। भालू की पहेली को सुलझाने हमें मध्य प्रदेश के शहडोल जाना था, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे एक जंगल में जो दोनों राज्यों में फैला है। सफर लंबा था लेकिन उससे भी बड़ी उलझन मन में थी, सवालों का अंबार था। ये सच है कि शहडोल के जंगल में भालू बड़ी संख्या में हैं, जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं, जिसकी तस्दीक ये खबरें करती हैं। वहां आए दिन इंसान और भालुओं के बीच संघर्ष होता है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन ये तस्वीर तो उन खबरों से मेल नहीं खाती। जंगली भालू बाबा के हर इशारे को समझते हैं, जबकि दूसरे लोगों के सामने खूंखार हो जाते हैं। चमत्कार की इसी पहेली को सुलझाना था, लेकिन बाबा तक पहुंचे कैसे? जंगल तो बहुत बड़ा होगा, बाबा कहां मिलेंगे? जंगल में आश्रम किधर होगा? गांव वालों से ये सब पता करने की कोशिश की। मुझे बताइए, जैसे मैं अभी निकला हूँ वहाँ से, शहडोल से, और मैं आया हूँ 2 घंटे का सफ़र करके, और मुझे बताया गया है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे एक जगह है जहाँ पर वो एक बाबा बैठते हैं जिनके पास भालू आता। भालू आपको पता है कौन है? बताइए, यहाँ के इधर आइए, यहाँ एक के बताइए ना। जंगल राजा, जंगल में कौन से जंगल में? राजा माड़ा जंगल। बाबा और भालू का चमत्कार कहानी की तरह हर किसी की जबान पर था। सब यही कह रहे थे, बाबा बुलाते हैं और भालू दौड़े चले आते हैं। तो वो बाबा भजन गाता है तो आ जाते हैं? हाँ, वो जहाँ कहीं नहीं बोलते हैं ना कि कल्लू भल्लू आ जाओ, उसका नाम कल्लू भल्लू। कल्लू भल्लू? हाँ, कल्लू भल्लू उनका नाम रखे। अच्छा, तो कल्लू भल्लू कह के बुला लेता है। अरे पास बाजे ही तुम बिल्कुल थूतना धर नहीं गए, ऐसे कर ले ही नहीं गए। इतना पास आ जाता है?
इलाके में कई गांवों के नाम रामायण पर रखे गए हैं। अब सड़क को छोड़कर जंगल में घुसने का वक्त हो गया था, ठीक उसी जगह से जहां से गांव वालों ने बताया था। यहां से चंद किलोमीटर दूर बताया जाता है कि जंगल का वो एरिया है जहां पर वो बाबा रहता है, जिसके भजन सुनकर भालू जंगल से निकलते हैं और उसके पास आ जाते हैं। यहां से आगे का जो रास्ता है, रोड आपको अभी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन रोड ऐसा है नहीं, इसके आगे रास्ता नहीं है, जो भी रास्ता है वो पैदल रास्ता है। तो पैदल जाएंगे और वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और इस खबर की सच्चाई को तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या ये मुमकिन है कि किसी के भजन गाने से जंगल से भालू निकल कर आ जाते हो? आइए देखते हैं। ये जंगल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैला है। अब बाबा कहां मिलेंगे, उनका आश्रम किधर मिलेगा, ये सब हमें पता करना था। लेकिन कैसे, जंगल में दिशा का पता ही कहां चलता है? वेल, किसी भी जंगल में मति भ्रम होना बहुत आसान सी बात है। आप रास्ते भटक सकते हैं, आपको इधर जाना होता है लेकिन आप उधर चले जाते हैं और ये तो आखिरकार दंडकारण्य जंगल है, तो मति भ्रम इसे ही कहते हैं। अब मैं आपको यहां भी दिखाई दे रहा हूं और मैं आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई एक ही जगह पर एक ही आदमी तीन जगह कैसे दिखाई दे रहा है? वेल, आप परेशान मत होइए, ये दोनों ऐसे गायब हो जाएंगे और आपके सामने रहूंगा सिर्फ मैं। तो मैं भी थोड़ा रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। जंगल के अंदर ये पता लगाना मुश्किल होता है कि जाना किधर है, कोई मिल भी नहीं रहा है जिससे पूछा जा सके कि भाई वो बाबा कहाँ है जिनका भजन सुनने के बाद जामवंत खींचे चले आते हैं। लेकिन तलाश जारी है और मिल भी जाएंगे। जंगल में एक गाँव मिला, लोगों ने बताया ये छत्तीसगढ़ है और इस समय हमारी टीम दंडकारण्य के इलाके में थी, वही जंगल जिसका नाता है श्रीराम से, जहां श्रीराम ने वनवास का सबसे लंबा वक्त गुजारा, जहां रघुवर का पराक्रमी अवतार पूरी दुनिया ने देखा, जहां श्रीराम ने रावण के कई राक्षसों का वध किया। अब इस भूल भुलैया में हमें भालू वाले उस बाबा को खोजना था। प्रॉब्लम ये है कि रास्ता कोई अंदाजा नहीं हो रहा, खैर पानी है, झरने बहुत है तो पानी मिल जा रहा है, वरना इस भालू के चक्कर में हम जो है बंदर बन के रह गए। बाइक की आवाज आ रही है। वाह, ए भाई इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? सड़क हो जा रहा है। ये यहाँ पर भालू आते हैं ना एक आश्रम में? कहाँ पर? अरे ये डोंगरी पे रहते हैं। भाई छोड़ दे वहाँ तक प्लीज यार, बहुत देर हो गई पैदल चलते हुए। छोड़ दे यार। छोड़ दे रहा हूँ, चलिए। थैंक यू। मोटरसाइकिल वाला बाबा के आश्रम के करीब तक ले जाएगा, इससे मुश्किल थोड़ी आसान हो गई। यहाँ पर रोड नहीं होता, वहाँ पर दो ही चीजों का आपको सहारा होता है, या तो अपने टांगों का या फिर मोटर बाइक का। ये देखिए रास्ता, देखिए आप किस तरह का। गांव वाले ने एक मोड़ पर उतार दिया और आश्रम की दिशा दिखा दी। उस रास्ते कुछ दूर चलने पर हमें एक घर दिखा। क्या यही भालू वाले बाबा का आश्रम था? तो बाबा कहां थे? अगर यही आश्रम है तो भालू भी कहीं आसपास होंगे। हम इस जगह की पहेली सुलझाने लगे। यही गुफाएं जो है परफेक्ट रेस्टिंग प्लेस होती है, रहने की सबसे शानदार जगह होती है, जहां पर कोई भी जंगली जानवर जो गुफाओं में रहता है वो रह सकता है। ओ गॉड, ये क्या था? ये हड्डी है किसी जानवर की, एकदम हाथ पड़ा है ना, आई वाज शॉक्ड। अब भालू ने डाली है या नहीं डाली है पता नहीं, बट है किसी जानवर की हड्डी और मेरा हाथ पड़ गया, तो बड़ा सरप्राइज हो गया। अब फिर हमने मोबाइल फोन में बाबा के आश्रम वाली जगह को देखा,
जो इस जगह से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। हमें घर का मालिक मिला, उसने बताया कि बाबा की कुटिया यहां से थोड़ा आगे है। हमारे कहने पर वो साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अब उस बाबा से मुलाकात होने वाली थी जिनका भजन सुनने के लिए जंगल के भालू आते हैं। कुछ देर बाद हमारी आंखों के सामने एक अद्भुत नजारा था। ये हम क्या देख रहे थे? जंगल में बैठे एक बाबा भजन गा रहे थे, उनके पास दो भालू बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, मानो वो बहुत ही ध्यान लगाकर भजन सुन रहे हों। और दावा भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन सिर्फ तस्वीर देखने से चमत्कार साबित नहीं होता। कई सवालों के जवाब खोजने होते हैं। वो भालू क्यों आए थे? क्या वो भजन ही सुन रहे थे? बाबा का उनसे क्या नाता है? और ये भी तो हो सकता है कि वो भालू बाबा के पालतू हों। अब सच्चाई तो छानबीन के बाद ही सामने आएगी। दावा था कि जंगल से दो भालू बाबा का भजन सुनने आते हैं। हमें दो भालू दिख रहे थे एकदम कुटिया के करीब। बाबा दोनों से बात भी कर रहे थे। तू अकेले काहे आ गया? अबे भजन भी नहीं भया, भोजन भी नहीं भया, है ना? अरे तुम्हारा पहुंच आया, गाय तो है नहीं। ये देखिए हाथों से खा रहा है। कितने कितने फीट की दूरी पर है अपन महज अंदाजा लगाइए। मतलब अगर मैं चलकर जाऊं, दूसरा भी आ गया, दूसरा भालू भी यहाँ पर आ गया है। ये देखिए दूसरा भी यहाँ पर आ गया है। मतलब मुझसे महज चंद फीट की दूरी पर वो कर्तव्य हो रहा है, वो लीला हो रही है, जिसके बारे में सुनकर भी यकीन नहीं कर सकते कि आप जंगल से निकल कर चामवंद आते हैं और सामने है। आप खुद देखिए, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में इतना शॉकिंग है कि आंखों से देखकर भी यकीन नहीं होगा। चंद फीट की दूरी है, सिर्फ चंद फीट की दूरी है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, और सामने मौजूद है और बिल्कुल एक पालतू जानवर की तरह जंगल से निकल कर जामवन यहाँ सामने है। बाबा ने दोनों को पानी पिलाना शुरू किया। अभी भजन नहीं हुआ था, दोनों पहले ही आ गए थे। बाहर ऐसे बैठे थे मानो उन्हें किसी चीज का इंतजार था। देखिए जंगली जानवरों से रिलेटेड मैं सैकड़ों कहानियां आज तक कर चुका हूं, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। जंगली भालू से ज्यादा अग्रेसिव जानवर इस दुनिया में और कोई नहीं होता। किसी भी बात पर हमला कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पालतू जानवर की तरह भी। देखिए आप खुद देखिए, पीट रही है डंडे से, और वो बिल्कुल ऐसे बैठ गया है जैसे कोई छोटा बच्चा है जिसे डांट के बिठा दिया जाता है। कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। मतलब आप देखेंगे, अगर ये सामने होता ना तो भी आप बिलीव नहीं करते। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये चीज़ मुमकिन है, ऐसा हो सकता है जंगली जानवर के साथ। जंगली जानवरों की मौजूदगी से बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने काम में लगे रहे। दोनों भालुओं में एक चुपचाप लेटा था तो दूसरा उछल कूद मचा रहा था। वो देखिए, वो तो इतनी देर से ऐसे ही बैठा हुआ है जैसे उसको किसी ने बिल्कुल डांट के बिठा दिया। वो दूसरा थोड़ी शरारत कर रहा है तो डंडे से उसको बिल्कुल लपेट रही है कि किसी भी तरह से वो आगे ना बढ़े, क्योंकि भजन नहीं हुआ है। हम तो भजन का इंतजार कर रहे थे कि भजन के टाइम पर होगा, लेकिन भजन से पहले ही भालू यहाँ पर आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। और जैसा वो कह रहे थे कि ये राम की लीला है, और अगर आप चाहेंगे तो राम की लीला आपको दिख जाएगी। तो शायद हमारे और आपका भाग्य अच्छा था कि लीला पहले ही नज़र आने लगी। मतलब भजन भी शुरू नहीं हुआ और लीला नज़र आने लगी, और ये लीला सामने है। ये देखिए, तभी बाबा का डमरू बजा। उधम मचा रहा भालू एकदम शांत हो गया, आंखें बंद कर ली, लगा कि ध्यान लगा रहा है। कुछ यही हाल दूसरे का भी था।
अंदर बाबा भजन गा रहे थे और बाहर दोनों भालू चुपचाप लेटे हुए थे। जो भी देखेगा यही कहेगा कि वो भजन सुन रहे हैं। यहाँ पर मेरे पीछे भजन चल रहा है इस वक्त। जो बाबा हैं वो अपनी मस्ती में भजन गा रहे हैं, झूम झूम के गा रहे हैं, और बाहर वो दोनों भालू चुन्नू और मुन्नू दोनों बिल्कुल बैठ के इत्मीनान से उस भजन को सुन रहे हैं। आप देखिए कितने सुकून से दोनों बैठे हुए हैं इस वक्त। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि ये जंगल में रहने वाले जामवंत हैं, ये जंगली जानवर हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये वो हैं जिनका हमला जो है वो किसी भी इंसान को कभी भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन इस तरह से दोनों बैठे हुए हैं, और जब मैंने ये वीडियो देखी थी तो मुझको यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज ये आपके सामने मौजूद है और इसमें अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यकीन ना आए। कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल फ्रेम में आप देखिए। मेरे पीछे बाबा जी हैं, उनका मंदिर है, भजन चल रहा है, और जैसे ही कैमरा बाहर जाएगा तो ये दो भालू बैठे हुए हैं इत्मीनान से, चुन्नू और मुन्नू, और दोनों इत्मीनान से पूरा भजन यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं। बाबा डफली के साथ भजन गाने लगे, लेकिन भालू वैसे ही बेसुध पड़े रहे। हम कभी बाबा को देखते तो कभी भालुओं को, अजब नजारा था। बाबा आंखें बंद करके भजन गाने में मशगूल थे, उधर भालू उन्हें सुनने में। इधर बाबा ने भजन खत्म किया, उधर भालुओं के शरीर में हलचल शुरू हुई। फिर हमने कुछ सवाल किए। तो आप भजन सुनाते रहते हैं और ये बैठ के ऐसे सुनते रहते हैं? पहले दूर सुनाते रहे, अमेर नहीं करते रहे। हाँ, मैंने तो देखा कि एक घंटा हो गया, एक घंटे से हिले नहीं है, मतलब ऐसे जैसे पैरों में बैठा रहता है कोई, वैसे बैठे रहे। अच्छा, राम जब रात हो थे ना, तो हमारे पाँव पे मान ला के अपन हाथ लगा के सो। अच्छा, आपके पाँव से हाथ लगा के सो जाते हैं? लेकिन हमें तो बताया गया था कि जंगली भालू केवल बाबा की बात सुनते हैं, यहाँ तो एक महिला भी इन्हें नियंत्रित कर रही थी। तभी हमारे सवाल का जवाब मिल गया। ये तो इतना खतरनाक मानते हैं इनको तो कि कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो देख रहा हूँ कि अम्मा भी और आप भी ऐसे डंडे से बिल्कुल। भजन खत्म होते ही एक भालू ने महिला पर हमला कर दिया, लेकिन बाबा को देखते ही वो पीछे हट गया। कुछ देर बैठने के बाद भालू जंगल में वापस चले गए। वो अब दोनों अपने गुफा की तरफ जा रहे हैं। गुफा ज्यादा दूर नहीं है, गुफा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या। तो सिस्टम को समझने के लिए कल एक बार फिर आएंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या है जो उनको लेकर आता है। क्या कोई वक्त है मुकर्रर है जिसको उनको पता है, कोई खाना है जिसको पता है कि हाँ भाई इस वक्त खाना खाना है, या सिर्फ बाबा जी की वो आवाज़ है जिसे सुनकर वो जंगल को छोड़ के और यहाँ आ जाते हैं, और फिर किस तरह से पेश आते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं पिछले काफ़ी देर से। तो अभी जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे, और उसके बाद फिर लौटेंगे और देखेंगे कि क्या सिलसिला रहता है चुन्नू और मुन्नू का। भालू चुपचाप भजन सुनते हैं, ये सही निकला। भालू केवल बाबा की बात मानते हैं, ये भी सही निकला। भजन सुनकर भालू अपने आप जंगल में चले जाते हैं, ये भी सही। लेकिन ये भालू आते कहां से हैं, अभी ये पता करना बाकी था। शायद इस सवाल के जवाब में चमत्कार का राज दफन था। वेल, आपने गौर किया, बाबा ने भालुओं को कुछ नहीं खिलाया। हाँ, गर्मी की वजह से पानी जरूर पिलाया, और सिर्फ पानी पीने के लिए तो भालू आएंगे नहीं, फिर क्या वजह है? एक बात और हैरत में डालती है कि भालू वैसे तो काफी उधम मचा रहे थे, लेकिन भजन शुरू होते ही एकदम से चुप हो जाते हैं, लेट कर आंखें बंद कर लेते हैं। तो क्या वो भजन सुन रहे थे? दूसरे दिन हमारी टीम का कुछ ऐसे ही सवालों से पाला पड़ने वाला था, लेकिन चमत्कार की तस्वीर ऐसी बदली कि सब कुछ उलझ कर रह गया।
दूसरे दिन सुबह सुबह हमारी टीम बाबा के आश्रम पहुंच गई। हमने पूछा, आपकी आवाज सुनते ही भालू कैसे दौड़े चले आते हैं? बाबा ने बताया कि उन्हें ये दिव्य शक्ति अयोध्या में मिली थी। 2011-12 रहे तो परीक्षा देने हमारे गुरु कहाँ ले गए? अयोध्या। आपको जी, आप अयोध्या गए? अयोध्या गए। बाबा के मुताबिक उन्हें अयोध्या की सरयू नदी में जंगली जानवरों को वश में करने का वरदान मिला था। हमें मालूम है इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जो कल देखा था वो तो हकीकत था। जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज इसी रहस्य को सुलझाना था। कल भालुओं का आना कोई संयोग तो नहीं था? क्या आज भी भालू दिखेंगे? क्या आज भी वो भजन सुनेंगे? जब वो भजन शुरू होगा, तैयारी शुरू कर दी है बाबा ने, जब भजन कीर्तन का वक्त होगा तो उसके बाद फिर यहाँ का जो पूरा माहौल है वो बदल जाएगा और चारों तरफ से आपको एक अलग एक्टिविटी दिखाई देने लगेगी जंगल के अंदर, जैसे कुछ होने वाला है। और वो जो होने वाला है वो चमत्कार देखने के लिए ही हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी आंखों के सामने वो चमत्कार यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई देगा कि किस तरह से जब भजन शुरू होगा तो उस जंगल में जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ से आपको वो शेप्स दिखाई देने लगेंगे। वो शेप्स अपने आप अपीयर हो जाते हैं, अपने आप शुरू हो जाते हैं और यही चमत्कार है जिसे देखने के लिए पूरी कवायद हमने की है। कल भालू पहले से ही मौजूद थे, देखते हैं आज किधर से आते हैं। बाबा भजन की तैयारी में जुटे थे। बाबा जो आरती इस वक्त कर रहे हैं, आरती पढ़ते हैं और आरती के बाद ही वो अपना भजन शुरू करते हैं। पहले एक पूरा पूजा का सिलसिला है जो बाबा करते हैं और पूजा करने के बाद ही बाबा आह्वान करते हैं जामवंत का। शायद ये आवाज ही जानवरों का ध्यान खींचती होगी। अब वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। आप जो भजन सुन रहे हैं उसके अंदर घंटा भी बज रहा है और डमरू भी बजा रहे हैं बाबा, तो ये जो साउंड है ये बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। खासतौर से जंगल है, कोई आवाज़ है नहीं, तो इस तरह की कोई भी लाउड वॉइस जो है वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती है और वाइल्ड एनिमल्स कंडीशन हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने पहले भी नोटिस की थी, बहुत सारे एक्सपर्ट से जब बात करी थी तब भी ये बात बताई गई थी कि कंडीशनिंग एक बहुत अहम रोल अदा करता है। कि जब इस तरह का कोई साउंड होता है, कोई स्पेसिफिक साउंड होने लगता है, जैसे यहाँ पे घंटे का साउंड है, आप सुनिए। हमारी निगाह जंगल की तरफ थी, भालू आते ही होंगे, यही तो होता रहा है। खास आवाज सुनकर जानवर खींचे चले आते हैं। काफी वक्त गुजर गया, भालू नहीं आए। बाबा ने कहा ये तो पूजा थी, भजन अब शुरू होगा। बाबा जी की आरती खत्म हो गई है और अब बाबा ने भजन शुरू कर दिया है, यानी कि वो वक्त आ चुका है जब जामवंत किसी भी वक्त यहाँ पर सामने आ जाएंगे। अब फिर भी भालू नहीं आए, लेकिन कल कैसे आए थे? एक घंटा बीत गया, भालू नहीं दिखे। मतलब एक घंटा करीबन हमको हो गया है और अभी तक जामवंत नहीं आए हैं। और बाबा ने जैसा मुझसे कहा था कि भाई ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो जादू करके बुला लेते हैं। उनकी रामधुन है, जब उन आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाती है तो वो दौड़े चले आते हैं, जैसा दावा किया था बाबा ने। तो अब करीबन घंटा हो चुका है हमको इंतज़ार करते हुए, लगातार पिछले आधे घंटे आरती करी और आधा घंटा हो गया बाबा को भजन गाते हुए। अभी तक कोई मुझे आहट, कोई भी हरकत मुझे दूर तक दिखाई नहीं दी है, लेकिन क्योंकि जंगल में आप ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते हैं और वैसे भी वो शेप्स ऐसे होते हैं कि अमूमन अगर करीब भी होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है हमारी प्रेजेंस की वजह से अभी तक नहीं आए हों, कि कैमरा लगा हुआ है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे कैमरा पर्सन खड़े हैं, तो इंतज़ार ही कर सकते हैं। लेट्स सी। बाबा ने तंबूरा बजाना शुरू किया। तभी जंगल से एक भालू आता दिखा, उसके पीछे दूसरा भालू भी दौड़ रहा था। भालू सीधे आश्रम पहुंचे और कल की तरह पानी पीने लगे।
उसके बाद एक शांति से बैठ गया लेकिन दूसरा उधम मचाने लगा। तभी बाबा ने डांट लगाई, अरे पीछे रे, बच। भालू डर कर बैठ गया। फिर भजन शुरू हुआ। जब बाबा ने गाना रोका तो भालुओं में हलचल मच गई। तो इस दुनिया में आपने भजन सुनने वाले लाखों देखे होंगे लेकिन इस तरह से इतने इत्मीनान से बैठकर भजन शायद ही कोई सुनता होगा। अब बाबा को देखिए, बाबा किस तरह से बैठे हुए हैं। जामवंत उनके बिल्कुल बराबर में है, मतलब एक फिट की दूरी भी नहीं है इस वक्त, और बाबा बिल्कुल इत्मीनान से बैठ के उनको भजन सुना रहे हैं। और वो भी देखिए कितना इत्मीनान है, सुकून है बिल्कुल। उस दूसरे को देखिए, बिल्कुल लेटा हुआ है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल इस तरह से है जैसे वो सिर्फ यहाँ पर भजन सुनने के लिए आए हैं। तभी बाबा उन्हें कुछ खिलाने पिलाने लगे लेकिन कल तो कुछ भी नहीं दिया था। तो करीबन आधे घंटे से ये यहाँ पर मौजूद हैं और इस आधे घंटे के अंदर मतलब जिस तरह से भी रिएक्ट किया है, ये हमारी वजह से मौजूद हैं। ये जो दो महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं डंडों के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि हमारी प्रेजेंस नागवार गुजर रही है। हम ही लोग हैं, ये लोग तो हर रोज़ होते हैं, बाबा यहाँ पर हर वक्त रहते हैं, तो बाबा को और इन लोगों को ये पहचानते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरा इक्विपमेंट मौजूद है, इसी वजह से थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर है और इसी वजह से इनको डंडा हमारी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए या उनसे बचने के लिए नहीं, ये हमारी सेफ्टी की वजह से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पेट भरने के बाद भालू बैठ गए, हाथ जुड़े हुए थे। बिल्कुल ये आपके पास है, इस तरह से है, आपको कभी डर महसूस नहीं होता? नहीं। क्यों? मतलब इतना अग्रेसिव होता है ये, अगर अमूमन मिल जाए तो, आम आदमी को किसी को मिल जाए तो ये तो बिल्कुल उसको फाड़ देता है, लेकिन आपके साथ तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बच्चों की तरह। हाँ, ये बच्चा है हमारा। आपके बच्चे हैं? हाँ, ये बच्चा है, ये कलयुग का बच्चा है। अच्छा, लवकुश? लवकुश। अच्छा। भालू जाने लगे तभी बाबा ने आवाज लगाई, चुन्नू चुन्नू आ जाएगा? हाँ बुलाइए। चुन्नू आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। चुन्नू, चुन्नू को बुलाया है। तो ये देखिए बाबा ने इनके नाम भी रखे हुए हैं, एक का चुन्नू नाम है और एक का मुन्नू नाम है। मुझे पीछे हटना पड़ेगा। तो चुन्नू और मुन्नू को बुलाया, इतनी दूर चले गए थे और फिर जैसे ही बाबा ने बुलाया वैसे ही वो वापस चले आए। मतलब अनबिलीवेबल है ये अपने आप में, इट्स शॉकिंग। आप बिलीव नहीं कर सकते कि किस तरह का ये मंजर है इस वक्त। अब भालुओं के जंगल में जाने का वक्त हो गया था। बाबा का भजन खत्म हो गया, उसके बाद जामपंत ने खाना भी खा लिया और अब जो है वो अपने रास्ते चल दिए हैं। देखिए अब थोड़ी दूर पहुंच गए हैं, वहीं से थोड़ा आगे जाके वो गुफाएं हैं जहां पर ये रहते हैं। अब इससे आगे जाना खतरनाक है क्योंकि बाबा ने बाउंड्री बांध रखी है कि इसी बाउंड्री में आप रहेंगे तो सेफ है। लेकिन वो दोनों जो हैं अब जा रहे हैं, अपना मतलब भजन वगैरह सुनने के बाद इत्मीनान से इस तरह से चले जाते हैं, फिर किसी से कोई मतलब नहीं रखते। भजन ख़त्म तो उसके बाद उनका काम ख़त्म और वो चले जाते हैं। देखिए दोनों ने जाना शुरू कर दिया है, दोनों अब इस वक्त जा रहे हैं अपने रास्ते। भालू दौड़ते हुए जंगलों में गुम हो गए। हमने बाबा से पूछा, आपने कल खाने को क्यों नहीं दिया था? बाबा ने कहा कल उनके पास कुछ था ही नहीं। हमने कुटिया के आसपास के इलाके का मुआयना किया, उसके बाद हमारी टीम वापस आ गई। असल जिंदगी की कहानियां कभी भी इस रोड की तरह सीधी नहीं होती, उनमें बहुत सारे घुमाव होते हैं, बहुत सारे टर्न होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि भजन सुनने के बाद भालू आते हैं, बैठते हैं, इत्मीनान से भजन सुनते हैं, खाते हैं और फिर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन मेरा वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस कहानी के पीछे कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो इस कहानी की हकीकत को बयां करेगा। तो चलिए चलते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कहानी की हकीकत क्या है। पड़ताल को अंजाम देने के लिए हमारी टीम इलाके के वन अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने भालुओं के आने का असली कारण समझाया। भालू का कोई बाबा का भजन सुनने नहीं आ रहा है। ये जो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, 2013 के आसपास मदर्स के साथ दो कप्स थे। इन दो कप्स को
कुछ भी बिस्किट डाल के और ये डाल के उन्होंने धीरे धीरे अपने तरफ परिचित कर लिया। और ये जो जो कहते हैं ना कि घंटी बजती है तो भालू चले आते हैं, तो घंटी बजने से नहीं, उनको एक इंडिकेशन मिलता है कि हमको कुछ खाने को मिलने वाला है, दैट्स वाई दे आर कमिंग रेगुलरली। और आदमी के पास आते आते वो हैबिचुअल हो गए हैं। तो मतलब इसको जो चमत्कार कहा जा रहा है, कोई चमत्कार नहीं है? कोई चमत्कार नहीं है, केवल लालच के बस में वो खाने के लालच में आते हैं, कोई चमत्कार नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भजन काकर ही करा जाए, अगर कोई आदमी सिर्फ उनको खाने की आदत डाल दे तो वो आते रहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से डोमेस्टिकेशन करने पे ये इनकी हमेशा आते रहेंगे। अब समझे? नहीं तो इस मामले को ऐसे समझिए, वो दोनों भालू जंगल के जिस हिस्से में रहते हैं उसके आसपास कई छोटे गांव हैं। बस्ती के करीब रहने की वजह से भालू इशारों को समझते हैं, खाने पीने के लिए वो गांवों पर निर्भर है, लेकिन भीड़ की वजह से गांव में नहीं जाते। लेकिन कुटिया में बाबा अकेले रहते हैं, इसलिए भालुओं को वहां कोई दिक्कत नहीं। इंसानी बस्ती और भोजन पर उनकी निर्भरता की वजह से भालू पालतू हो चुके हैं। रही बात भजन सुनने की, तो दरअसल वो भजन नहीं सुनते, वो डमरू और तंबूरे की आवाज बंद होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि खाना इसके बाद ही मिलेगा। ये कोई चमत्कार नहीं, इंसान और जानवरों के रिश्ते की कहानी है।